ये 15 अगस्त ये आज़ादी का पर्व है हमारा, और इसमें हर घर तिरंगा का मिशन चल रहा है। अब सभी, मैं अपने शहर वालों से, सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि अब रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने घरों पे तिरंगा लगाएं और इसको आज़ादी को जश्न को मनाएं, क्योंकि आज़ादी बड़ी मशक्क़तों से मिली है, बड़ी कुर्बानियों से मिली है। इसमें लाखों लोगों ने जान दी गई है, अपना सब कुछ त्याग करके हमें आज़ादी दिलाया है। और आइए कुछ ऐसा कुछ करें हम जिससे हमारा नाम पैदा हो, देश का नाम पैदा हो। और हम ऐसा कुछ करें, हम एजुकेशन में आगे बढ़ें, हम हेल्थ में आगे बढ़ें, हम कॉर्पोरेशन में आगे बढ़ें, और देश की इकनॉमी का हिस्सा बने और देश का नाम पैदा करें दूर तक। और बहुत बहुत मुबारक और खुशियों का दिन है, आइए जश्न मनाएं। मैं डॉक्टर हैदर अली ख़ान, फातिमा हेल्थ केयर क्लिनिक, मेरी तरफ से आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये स्वतंत्रता दिवस, जो कि 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पे मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि जो भाईचारा, अमन चैन इस देश में हमेशा से कायम रहा, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। शुक्रिया। हेलो, मैं डॉक्टर जावेद अली, ओशन हॉस्पिटल रामपुर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत मुबारकबाद एवं शुभकामनाएँ। इस महोत्सव को हमारा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही हमारा देश तरक्की करता रहे, प्रोग्रेस करता रहे, उसके लिए दुआएं की जाएं और आपसी भाईचारा बना रहे, चैन और अमन कायम रहे। इसी तरीके से आप इसको मनाते रहिए और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत।